शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उस आदमी के कपड़ों से साफ जाहिर है कि वो कोई मामूली गुंडा नहीं। तुम्हारा कोई भी कदम बंटी की जान के लिए खतरा बन सकता है। आए दिन वो खूनी एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है और आप लोग मुंह ताकते रह जाते। मुझे ना आपकी मदद चाहिए ना ही आपकी हमदर्दी। थैंक यू। ये साले गाड़ी कहां पार्क कर देते हैं? गधे हैं सबके सब सोसाइटी वाले। कागज यानी कि एक फटे हुए इनविटेशन कार्ड का हिस्सा है। ओके सर। ये टुकड़ा किसी प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड का मालूम होता है। मगर सर, इस टुकड़े में ऐसी क्या खास बात है कि मुजरिम भेजे ही नहीं? हवलदार। यस सर। अगर तुम्हारा दिमाग इसी तरह काम करता रहा। यस सर। और इंस्पेक्टर बनने को चल। यस सर। अरे हवलदार, सीधी सी बात है, हमले से पहले वो पूरा कार्ड उस खूनी की जेब में रहा होगा और हमले के बाद यानी कि उस झड़प के अंदर उस कार्ड का ये टुकड़ा वर्मा के हाथ में रह गया होगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वाकई यादव साहब, इस कागज के टुकड़े का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? यार अमित, मुजरिम जुर्म करने के बाद हर उस चीज को खत्म कर देना चाहता है जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। फिर तो ये टुकड़ा लेने के बाद वो अमित बाबू को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमित बाबू उसकी शक्ल देख लेंगे। हवलदार, अपना काम करो। मिस्टर गुप्ता, वो कार्ड। आप सबसे पहले काम कीजिए, ये पता लगाइए कि ये किस प्रेस में छपा है, फंक्शन क्या है, हॉल का नाम क्या है और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है। प्लीज हरि। यस। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें काम करोगे आज शाम को 6:45 तक वेस्ट एंड वॉच कंपनी के पास, और मेरे सिपाही सारे रेस्टोरेंट पूरे इलाके को घेरे रहेंगे। सामने की बिल्डिंग में हमारा मूवी कैमरा फिट रहेगा ताकि तुम्हारे पास से हर आने जाने वाले आदमी की तस्वीर इसमें आ जाए। अमित, ये काम खतरनाक जरूर है, लेकिन मुजरिम की गिरफ्तारी से तुम कानून और सोसाइटी की मदद कर सकोगे। क्या ख्याल? अभी तक कोई नहीं आया। भेज इस चौक का चूमने वाला कोई भेज। कोई नहीं आया बाबा, अभी तक कोई नहीं आया। तेरी चौकट चूमने वाला भेज दे। बहुत चालाक समझते अपने आप को, मना करने भी पुलिस को साथ में ले आए। भूल गए कि तुम्हारे बीवी और बच्चा घर पे अकेले हैं।
शीला। ओ पापा। हाँ बंटी। हाँ मेरे बेटे। ओह माय गॉड। यादव साहब बोलिए, मैं अमित बोल रहा हूं। अमित स्टार्ट कीजिए। अमित आओ प्लीज। उस दौरान यही एक आदमी तुम्हारे करीब आया था, यकीनन इसी आदमी ने चिट्ठी तुम्हारी जेब में डाली होगी। हाँ हो सकता है। इसका चेहरा कैसा था? देखा नहीं। देखा नहीं? हाँ दरअसल मैं उस समय इतना घबराया हुआ था कि कौन आया कौन गया कुछ मालूम नहीं। ओ मैं तो समझा था आज ही मामला हल हो जाएगा। खैर पिछले चंद दिनों में इस तरह का आदमी कभी तुम्हें मिला था? अमित कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो अमित। घर के आसपास या दफ्तर में आते आते कहीं से देखा हो? पिछले चंद दिनों में इस आदमी का तुम जरा भी हुलिया बता दो तो हमारी पुलिस इसे कहीं से ढूंढ निकालेगी। I'm sorry जादव साहब, ऐसे हुलिया का सोचो। ऐसे हुलिया का तो मेरा एक साला है कानपुर। वेरी गुड जोक। खैर इंस्पेक्टर इस फिल्म के देखने से इतनी मदद तो जरूर मिल गई। क्या? उस आदमी के कपड़ों से साफ जाहिर है कि वो कोई मामूली गुंडा नहीं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इस बात की दाद देनी होगी कि आप सबकी मौजूदगी में वो आदमी कितनी सफाई से मेरी जेब में वो चिट्ठी छोड़ गया। इतनी सफाई से वह एक दिन हम सबको साफ कर देगा। डोंट वरी अमित, तुम लोगों की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। खैर चलो हॉस्पिटल चलते हैं, शायद वो आदमी होश में आ गया होगा। अब तो वही उम्मीद है। चलो ऐसा करता हूँ अमित, मैं पहले डॉक्टर से मिल लेता हूँ और उसके बाद में डॉक्टर के वार्ड में है सर। हेलो जादव। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जानते हो ना? ऑफ कोर्स मिस्टर अमित, ऐसे बहादुरों को कौन भुला सकता है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको नहीं, शर्मिंदा इस इंस्पेक्टर को कर रहा हूं। मिस्टर अमित ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कैलाश, हम दोनों साथ ही पढ़ा करते थे। डॉक्टर यस यार कब तक हो जाएगा उसे? कुछ कह नहीं सकता, मतलब कोई चांसेस नहीं। चांसेस तो है, पहले से बेटर भी है, लेकिन होश कब तक आए आई कैन नॉट से। कैसे डॉक्टर हो यार तुम, एक आदमी को होश में ला सकते? कैसे इंस्पेक्टर हो तुम, एक कातिल को भी नहीं पकड़ सकते? डॉक्टर इसे ध्यान रखो। मुझे मालूम है यार, लेकिन डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं समझे। लोग पुलिस के बारे में भी यही कहते हैं। आइए मिस्टर अमित। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? Hey, you're supposed to be my wife, you know. बंटी का तो ख्याल करो। But, बंटी बेटा आपके सोने का टाइम हो गया, चले जाइए। रोजी। जी। रोजी बंटी को ले जाओ। पापा मुझे नींद नहीं आई है। आई है, आपको भी आई है और आपके बाप को भी आई है। चलिए रोजी बंटी को ले जाओ, सोने का टाइम हो गया। चलिए बेटा जाइए। गुड नाइट। रोजी तुम सो जाना, मैं खुद खाना गर्म कर लूंगी। हाँ देखो जी तुम बहुत बेशरम होते जा रहे हो। क्यों? लो फ्रूट खाओ, कभी उसके के साथ अच्छी चीज भी खा करो। ये भी कोई खाने की चीज है? आज तक तो तुम्हें खाने का मन कर रहा। अरे रोजी आ जाएगी। रोजी आ जाएगी तो क्या? हाँ
आएगी देखेगी चली जाएगी। तुम ना सच्ची दिन बे दिन बहुत बेशरम होते जा रहे हो। और तुम दिन बे दिन बहुत खूबसूरत। सुनो ये तुम्हारा दूसरा पेड़ है ना, तो इतनी कैसे चढ़ गई आज? हाँ अरे अरे लाइट फ्यूज हो गई। तो क्या हुआ, और अच्छा है। ओहो What the bloody hell's going on here? अरे दरवान अरे दरवान घर का नीचे को स्विच के देखे भाई, ऊपर को देखने सभी बिल्डिंग की लाइट चली गई है। अरे क्या हुआ भाई, लाइट कैसे ऑफ हो गई? अरे कोई मेन फ्यूज ले गया। फ्यूज चोरी हो गया? ये कैसे हो सकता है, फ्यूज कौन चोरी करे? अरे भाई गोरखा जल्दी करना। अरे भाई कब तक लाइट आएगी? अब भी ठीक हो जाएगा। बड़े घर जाकर खुलेगा। आप आइए ना, अंदर खुले जाएगा। घबरा तो नहीं था, कंचम कंचम डरता क्या, वो झगड़ा करके हम थक गया बहुत। आयो आयो यो बांध के रखा ना पापा। हां हां बांध के रखा है। या देखिए पहचाने इन लोगों ने कौन है वो आदमी? वो बोलना नहीं कि हमने बताया, ये तो हमको एक दिन मार डालेगा। आइए मेरे साथ। प्लीज आइए आप। बताइए कौन है वो आदमी? ये आप लोगों से मिली हुई है, आप लोग किसी गरीब आदमी को सड़क से उठाकर उस पर इल्जाम लगा देते हैं। हवलदार चलो बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू। और सुनो भाभी को मेरी तरफ से कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पकड़ा गया है। थैंक यू, गुड नाइट। अरे हवलदार साहब क्यों बूम मारता है? चाय में कुछ भी पानी नहीं है। घंटा हो गया बीड़ी गाड़ी कहीं कुछ भी नहीं। बीड़ी गाड़ी कुछ भी नहीं, ये क्या तुम्हारे बाप का घर है? अगर ज्यादा बकवास करेगा तो कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। अमित बाबू, अमित बाबू जरा मेरी बात तो सुनिए, बड़ी मेहरबानी होगी। एक मिनट,
मैं आपकी नजरों में खूनी हूँ, मुजरिम हूँ। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसको साबित करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। छोटी सी मेहरबानी मुझ पर कीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे जमानत के लिए या अपने आप को छुड़वाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या है? कल मेरी लड़की की शादी, उसका मंगलसूत्र खरीदने के लिए, पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकला था। खैर, मेरी लड़की से कह देना कि तेरा बाप एक बहुत जरूरी काम से बाहर गया है, इसलिए शादी ना रोकी जाए, और हो सके तो लड़के वालों को भी समझा देना। कहाँ रहते हैं? धारावी, खोली नंबर 110। मेरा नाम गोपाल है, मेरी बीवी का नाम बिमला है। पता पुलिस वालों को बता दीजिए, आप तो जानते हैं कैदी की बेटी बड़ी मुश्किल से भले घर की बहू बन सकती है। लक्ष्मी काहे को रोती जा रही है, चुप करना। चाची देखिए ना, नहीं मानती, रोती जा रही है। लक्ष्मी बेटी रो मत, तेरे बापू आते ही होंगे, जरूर उन्हें कोई काम पड़ गया होगा। चाची, गोपाल चाचा के दोस्त आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। आइए। जी नहीं, ठीक है। गोपाल यही रहते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है, कल रात से गए हुए हैं, अब तक नहीं लौटे। जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। भेजा है? वो खुद क्यों नहीं आए, कहाँ है वो? उन्हें कुछ? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल बेटी के मंगलसूत्र के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए अचानक उन्हें पुणे जाना पड़ा। पुणे? ये शादी कैसे होगी, मंगलसूत्र कहाँ से आएगा, मेहमानों की देखभाल कौन करेगा, घर में फूटी कौड़ी भी नहीं, एक महीने से खुद बीमार थे, जो कुछ घर में था एक एक करके सब बिक गया। एक महीने से बीमार थे, इसका मतलब महीने भर से वो घर से बाहर ही नहीं गए? नहीं, मैं ही रोज अस्पताल जाकर दवाई लाती, कल जरा सी तबीयत ठीक हुई और मंगलसूत्र का इंतजाम करने के लिए गए, और अब तक रोइए मत, ये इसे रख लीजिए। ये क्या? ये 500 रुपए हैं, गोपाल ने दिए थे मुझे, कहा था कि आपको दे दूं, और ये भी कहा था कि अगर उसे आने में देर हो जाए तो ये शादी किसी भी हालत में ना रोके। ये लीजिए। अगर बाबा नहीं आएंगे तो मैं मंडप पे नहीं जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, जिस मंडप के लिए तुम्हारे बाबा ने इतनी तकलीफें उठाई, अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, उसी मंडप पे जाने से इनकार कर रही है? देखिए मैं उनसे मिलता हूँ और जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शादी किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। भाई मैं उसके घर गया था, वहां पता चला कई दिनों से घर पे बीमार पड़ा था। अगर वो घर पे बीमार पड़ा था तो फोन करने और फोन करने का सवाल ही पता नहीं होता। बेचारा गरीब है, कल उसकी बेटी की शादी है, शादी के लिए पैसे चाहिए थे, चोरी की, पकड़ा गया। लेकिन उसको पता, तुम्हें किसने बताया? उसने मुझे खुद बताया था, कह रहा था पुलिस को मत बताना, बेटी की शादी का सवाल है, एक कैदी की बेटी को कौन ब्याहे। ये तो बहुत बुरा हुआ। सर मैं एक आइडिया दूं? हवलदार प्लीज अपना आइडिया अपने पास रहे। अमित बैठो। यादव साहब एक बात,
उस आदमी को छोड़ दे। अमित यार छोड़ कैसे दे, उस आदमी ने चोरी की है, चोरी का इल्जाम है उस पर। देखो जमानत मैं भर देता हूं। चलो तुम भाई, आदमी गरीब है, दुआ देगा और ऐसे मौके पर दुआ दिल से निकलेगी, आड़े वक्त काम आएगी यार। देखे रे, यकीन नहीं आता कि इस जमाने में तुम जैसे लोग भी होते हैं। ठीक है, खैर आओ, कुछ करता हूं, चलो आओ। देखो तुम्हारी जमानत हो चुकी है, तुम जा सकते हो। हवलदार बंद कर दो दरवाजा। सुनिए, मेरी जमानत किसने की? देखो इस समय बक्साया मत करो, बारात आने का वक्त हो गया। जाओ। बताइए मेरी जमानत किसने दी? अरे भाई किसी ने भी दी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जल्दी घर जाओ। जाओ। अरे ये क्या कर रहा है? गरीब आदमी हूँ, अदला में कुछ नहीं दे सकता, बस दुआ कर सकता हूँ भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपकी सारी तकलीफें मुझको लग जाएंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहता, जान दे सकता हूँ आपके लिए, अभी आजमा कर देख लीजिए, आधी रात बुलाइए, सर के बल चल कर दबा। अच्छा मेरा कहना मानो, भगवान का नहीं मानो, आपका जरूर मानूंगा। तो इस वक्त एक लफ्ज नहीं बोल, घर जाओ, बेटी बाप के आशीर्वाद का इंतजार करे। चॉकलेट खाओगे? आप कौन है? हम यानी कि तुम्हारे अंकल हैं। चॉकलेट लो, इनके आओ। लो, लो। अमित, मैं इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जादव? हाँ। क्या बात है? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अमित, तुम फोन घर आ जाओ। क्यों? क्या बात है? मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बात क्या है? तुम मेरी बात मानो, तुम घर आओ फौरन। लेकिन आप बताइए तो सही, बात क्या है? बंटी कहीं खो गया है। बंटी? हाँ मैं आता हूं। शीला, क्या हुआ शीला, बंटी कहाँ है? मुझे मेरा बंटी ला दो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो गया कहाँ? यहाँ जिसे पूछो। बंटी तुम्हारे साथ क्या था? अपन लोग के साथ पार्क में गया होता, उधर वो दूसरे बच्चे लोग के साथ खेलता होता। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अपन दूसरे भाई लोग के साथ बात करता होता, मालूम नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तो उसे अकेले क्यों जाने दिया तुमने, इडियट? कहाँ जा रहे हो? हट जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। किसे, किसे मार डालोगे, कहाँ ढूंढोगे उसे? अमित अपने जज्बात को काबू में रखो, तुम्हारा कोई भी कदम बंटी की जान के लिए खतरा बन सकता है, ये काम तुम्हारा नहीं पुलिस का है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हैं पुलिस ने मुझ पर, मुझे और किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं, समझे? पुलिस माय फुट, क्या किया है पुलिस ने मेरे लिए? आए दिन वो खूनी एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है और आप लोग मुंह ताकते रह जाते। मेरी बीवी और बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी कि नहीं ली थी? पुलिस के होते हुए आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, यही कहा था ना आपने, यही वादे दिए थे, क्या हुआ उन वादों का? फिर बंटी कैसे खो गया, क्या जवाब है आपके पास? प्लीज इंस्पेक्टर साहब चले जाइए, मुझे ना आपकी मदद चाहिए ना ही आपकी हमदर्दी। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो अमित, ये मौका ऐसे बंदे करने का? उधर देखो तुम्हारी बीवी का क्या हाल है। मैं मानता हूं अमित कि वो आदमी लगातार कोई ना कोई चाल चल रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही, लेकिन अमित जहां तक बंटी का सवाल है उसे ढूंढने में मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। चलो अवलदार आप लोग भी चलिए,